राजधानी जयपुर में लगे लाल डायरी के पोस्टर, लिखा महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार की लाल डायरी, मेट्रो पिलर और रेलवे स्टेशन के पास लगाए गए। लाल डायरी का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी जहां लगातार कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेर रही है, वहीं अब जयपुर शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में लाल डायरी के पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। इन पोस्टर पर लिखा है महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार की लाल डायरी। यह पोस्टर किसने लगवाए हैं यह तो सामने नहीं आया है। बीजेपी मीडिया प्रकोष्ठ ने पोस्टर के वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यह पोस्टर सिंधी कैंप बस स्टैंड के एंट्री गेट, उसके सामने मेट्रो पिलर, रेलवे स्टेशन पुलिया, चांदपुर मेट्रो स्टेशन व पुलिस कमिश्नरेट के सामने वाली दीवार पर यह पोस्टर लगे हुए हैं। लाल डायरी का मुद्दा सबसे पहले उस समय चर्चा में आया था जब मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा में स्पीकर सीपी जोशी के सामने लाल डायरी लहराई थी। उसने दावा किया था इस लाल डायरी को उसने उस समय आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के यहां से निकाला था जब उन्होंने यहां आईटी के रेट पड़ी थी। इसके बाद राजेंद्र गुड़ा को विधानसभा की आगामी कार्रवाई के लिए निलंबित कर दिया गया था। वहीं विधानसभा में बीजेपी ने लाल डायरी के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया है। इसी दिन बीजेपी ने शाम को विधानसभा के बाहर सांकेतिक रूप से लाल डायरी को कवर पेज पर जारी किया था। गुड़ा के जारी किए गए लाल डायरी के तीन पन्ने बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान में सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी को कथित तौर पर तीन पन्ने सार्वजनिक किए थे। गुड़ा ने दावा किया है कि सीएम के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पन्नों को सीएम के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता सहित अन्य लोगों से लेन देन का जिक्र किया है। गुड़ा ने कहा है कि मैं सरकार को नहीं, सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। बर्खास्त मंत्री ने दावा किया है इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीब धर्मेंद्र राठौर की ही हैंड राइटिंग है। डायरी के कुछ पन्ने मिसिंग है लेकिन मेरे पास जो पन्ने हैं मैं वही करूंगा। डायरी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लेन देन की बात कोड वर्ड में है और वैभव गहलोत सहित मुख्यमंत्री के सचिव को लेकर बातें लिखी गई हैं। रिपोर्ट जयपुर।